बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज हमारा सिक्स क्लास की साइंस का पहला लेक्चर है। मैं होप स्कूल से सिक्स क्लास की साइंस की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इन प्लांट। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। आप अपने घरों में भी चैप्टर नंबर 3 को खोलेंगे। इसके अंदर हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस से मुराद वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए जो है फूड तैयार करते हैं। अब ये फूड कहाँ तैयार होता है? ये फूड जो है वो प्लांट्स के अंदर तैयार होता है। इसके लिए हमने देखना है कि बेसिकली प्लांट्स का कौन सा ऐसा हिस्सा या पार्ट होता है जिसके अंदर ये फूड तैयार हो रहा होता है। तो उसके लिए हम लीव्स को देखते हैं। तो लीव्स क्या है? लीव्स प्लांट्स का वो हमारे पास पार्ट है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा? हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को स्टडी करना होगा। अब हम देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ क्या है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की मैंने डायग्राम आपके सामने खोली हुई है, ये आपकी बुक के ऊपर भी मौजूद है। हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। बेटा, आप लोगों ने लीव्स देखे होंगे, आपके घरों के अंदर भी ये लीव्स जो है वो होते हैं। आपके बहुत सारे पौधे लगे हुए होंगे। इस लीफ को जब आप ऐसे देखते हैं और दरमियान में से अगर आप इसको कट कर लें तो ये जो आपका ये हिस्सा होता है, यानी कट करने के बाद जो ये हिस्सा होता है उसको जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आता है उसको हम स्टडी करने लगे हैं। उसमें क्या होता है कि उसकी सबसे जो ऊपर लेयर होती है, जब लीफ जो है बिल्कुल सीधा होता है, हम इस लेयर की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो आपको लेयर नज़र आती है, चमकदार लेयर जो होती है, उसका हम बोलेंगे अपर एपिडर्मिस। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो नीचे वाली लेयर होती है, जो थोड़ी सी आपको खुदरी नज़र आती है और जिसका कलर भी थोड़ा सा फेड होता है, यानी कि थोड़ा सा हल्का रंग होता है, वो कहलाती है लोअर एपिडर्मिस। आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, यानी कि ऊपर जो लेयर मौजूद है वो अपर एपिडर्मिस, जो नीचे लेयर मौजूद है वो लोअर एपिडर्मिस। अब लोअर एपिडर्मिस को आप मज़ीद देखेंगे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके लीव्स के ऊपर आपको अपनी आँखों से छोटे 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 डॉट्स नज़र आते हैं। उन डॉट्स का क्या मकसद होता है? उन डॉट्स को हम स्टोमेटा कहलाते हैं। वो डॉट्स असल में होते क्या हैं? वो एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू पौधा जो है वो पानी और हवा को अपने अंदर और बाहर लेके जाता है। इसके अलावा हवा से मुराद मेरी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। इस ओपनिंग को यहाँ पे स्टोमेटा के थ्रू जो है ना हम शो करते हैं। स्टोमेटा इसलिए इनको बोलते हैं कि ये ढेर सारे होते हैं, ये एक नहीं होता। जब आप एक का जिक्र करेंगे तो आप इसको स्टोमा बोलेंगे। अब ये जो ओपनिंग है इसके अंदर दो गार्ड सेल होते हैं जो बीन शेप होते हैं, यानी कि लोबिया की दाल की तरह के ये दो गार्ड सेल होते हैं जो कि दिन के टाइम खुले रहते हैं और रात के टाइम पे बंद हो जाते हैं। अब आप देखते हैं कि आपने स्टडी किया अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, तो इनके दरमियान क्या है? इनके दरमियान हमारे पास मेसोफिल सेल मौजूद है, ये आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। मेसोफिल सेल किस लिए होते हैं? मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट वो चीज़ है जिसके अंदर फूड असल में तैयार हो रहा है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटा छोटा ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से आपके जो लीव्स हैं वो आपको ग्रीन शक्ल में नज़र आते हैं। जिन दरख्तों के अंदर या जिन पौधों के अंदर ये वाला पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है वो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, और जिनके अंदर थोड़ा कम होता है वो आपको लाइट ग्रीन के लिए कलर के नज़र आते हैं। इस पिगमेंट के अंदर हमारे पास फूड का प्रोसेस हो रहा होता है। ये पिगमेंट जो है क्या करता है कि लाइट को अब्सॉर्ब करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और क्या बना देता है हमारे पास? ग्लूकोज, और इसके अलावा हमें ऑक्सीजन देता है। ये पूरा एक रिएक्शन होता है। इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो फोटोसिंथेसिस का पूरा रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ही को डिस्कस करेंगे। हमने क्या देखा कि मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं, उनके अंदर फूड का प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस लीफ के अंदर एक क्या है, एक न्यूक्लियस टाइप चीज़ मौजूद है जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल हैं जिनमें दो तरह के सेल्स हैं। आपने देखा होगा कुछ ब्लैक कलर के हमने शो किए हैं, कुछ ब्लू कलर के हमने शो किए हैं। अब ये दो तरह के जो सेल होते हैं उनमें से एक जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है। जो जाइलम होता है वो किस चीज़ के लिए होता है?
वो लीफ के अंदर वाटर को जो है पहुंचाने के लिए, रूट्स, आपको पता है पानी जो है पौधे रूट्स के जरिए ऑब्जॉर्व करते हैं। कि आप मिट्टी के अंदर पानी डालते हैं, मिट्टी के अंदर क्या होती हैं, मिट्टी के अंदर रूट्स होती हैं, यानी कि जड़ें होती हैं। तो आप उन जड़ों के जरिए पानी को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो आप देखते होंगे कि प्लांट्स को जब आप वाटर दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो वो जड़ें पानी को ऑब्जॉर्व करती हैं। वो पानी जो है जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए पत्ते तक पहुंच जाता है, यानी कि लीफ तक पहुंच जाता है। इसके अलावा इसके अंदर फ्लोएम टिश्यू मौजूद होते हैं। फ्लोएम क्यों होते हैं? फ्लोएम यह करते हैं कि जो फूड इन लीव्स के अंदर तैयार हो रहा होता है, उस फूड को पूरे प्लांट तक पहुँचा देते हैं। इनके प्लांट के हर पार्ट तक वो फूड पहुँच जाता है। तो बेटा ये पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव है, जिसमें अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस, मेसोफिल एंड वैस्कुलर बंडल्स मौजूद हैं। आज के लिए आपके लिए इतना ही लेक्चर है। आपने क्या करना है, अपने घर में जो आपका होम टास्क है वो ये है, आप अपनी एक्सरसाइज को खोलेंगे, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। उसको आपने क्या करना है, उस इंटरनल स्ट्रक्चर को अपनी बुक के अंदर से देख के अपनी नीट कॉपीज पे लिखना है और उसकी पिक्चर्स बना के आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजनी है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, लेबल दी डायग्राम ऑफ लीफ। वहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, उसको आपने लेबल करना है और उसको लेबल करने के बाद आप उसकी पिक्चर बनाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर आ जाऊँगे। अल्लाह।